तो मैं यश सर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइन कैसे आप रेडमी 9A डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो और आपके लिए रेडमी 9i डिवाइस दोनों में से आप कोई भी डिवाइस यूज़ करते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके लिए एक न्यू अपडेट निकल के आ चुका है जो कि मेयो 12.0.21.0 का स्टेबल अपडेट। आज के वीडियो में कैसे इंस्टॉल करना है बताऊंगा, इस अपडेट का रिव्यू देने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना क्योंकि मुझे आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बिना कोई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको करना है कि आपके अपने सेटिंग्स में चले जाना है और जैसे सब लोगों को पता होगा कि मेयो 12.0.21.0 का अपडेट आया था जो कि 10-15 दिन पहले आया था और जो कि बड़ी अच्छी बात थी, ठीक है। और अभी उसी 10-15 दिन बाद और एक न्यू अपडेट आया जो कि मेयो 12.0.22.0 का। तो आपको सिंपली चेक कर लेना, चेक फॉर अपडेट, आपको अपडेट मिलता है या नहीं। देखिए मुझे तो देखने को नहीं मिल रहा, जिसको मिल रहा है आप सिंपली यहाँ से अपडेट कर दीजिए। जिसको देखने को मिलता है वो आपको मतलब जिसको देखने को नहीं मिलता सिंपली आपको ओटा अप्लाई कर लेना है। ओटा अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जाना है, मैंने फाइल डाउनलोड कर रखी है, सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ। फाइल मैनेजर में आपको सिंपली जाना है, फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको आप देख सकते हैं मीओ ब्लॉकोटा डंडेलियन ग्लोबल 12.0.21.0 से 22.0 की यह 137 MB की फाइल है। सिंपली आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, बाकी सबको आपकी मर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, इस पर 7-8 बार क्लिक करना है, फिर आपका एडिशनल फीचर का जो ऑप्शन वो एनेबल हो जाएगा। अब आपको 3 डॉट पे जाना है, चूज अपडेट पैकेज पे क्लिक करने के बाद आपको यह देख सकते हैं पे MIUI ब्लॉकोटा आपको सिंपली वो डाउनलोडेड रूम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, देख सकते हैं। फिर आपको सिंपली योर डिवाइस विल रिबूट ऑटोमेटिकली अपडेट म्यूट वर्जन 12.0.21.0 एंड्रॉइड 10 बेस्ड है, ठीक है। सिंपली आपको सिंपली रिबूट एंड अपडेट कर देना है। सिंपली मैं इसको ऐसे रख देता हूँ और सिंपली मैं आपको अपडेट होने देता हूँ। जैसे कि डीकैपिटेशन हो रहा है, 100% हो चुका है, अब हमारा जो फ़ोन है स्विच ऑफ हो चुका है। तो अब मैं आपको इसको बूट होने देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारा जो फ़ोन है अभी रिकवरी में चला जाएगा जो कि हमारे MIUI की ऑफिशियल रिकवरी होती है उसमें चला जाएगा। उसके बाद में आपको जो फ़ोन है देख सकते हैं रेडमी का लोगो आ चुका है और अब आपका सिंपली फ़ोन है जो रिकवरी में चला जाएगा आई गेस, क्योंकि पिछले बार तो गया था। देख सकते अपडेटिंग MIUI डोंट टर्म ऑफ योर डिवाइस, तो सिंपली मैं इसको पूरा होने देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है रेडमी के लोगों पे आ चुका है और जल्द अभी MIUI के लोगों पे आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जिससे हमारे जो MIUI का मैंने MIUI 13 की थीम लगा रखी है, सो यहाँ पे MIUI 13 का बूट एनिमेशन को देखने को मिलता है जो कि बड़ा अच्छा दिखने में लगता है। सिंपली देख सकते हैं यहाँ पर जो MIUI का ये आ चुका है, यहाँ पर नीचे 3 डॉट ये भी रनिंग में है। अब सिंपली जो हमारा फ़ोन है बूट हो जाएगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में बूट हो चुका है। इसको बूट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा और जो MIUI का लोगो है उस पर बहुत देर तक अटक के बैठा था। तो सिंपली आप इसको कुछ भी बटन वटन मत दबाना या फिर आपका कुछ एरर वगैरह आ जाएगा, तो सिंपली आपको सिंपली ऐसे फ़ोन को रख देना, उसके बाद आपको सिंपली आपको जो फ़ोन है वो बूट हो जाएगा। देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है MIUI 12.0.21.0 के स्टेबल अपडेट पर आ चुका है। इसके हम वॉट्स न्यू पे जाके चेकआउट करेंगे तो वॉट्स न्यू पे हमको कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, बस जनरेटर का सिक्योरिटी पैच और सिस्टम की सिक्योरिटी इंक्रीज की है और ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, पता नहीं ऐसे अपडेट देते क्यों है। और देख सकते हैं MIUI 12.0.22.0 एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 कब आएगा पता नहीं। देख सकते हैं एंड्रॉइड 10 देखने को मिलता है और साथ ही एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लो जनवरी का दिया गया जो कि पिछले महीने का, इस महीने का देते थे मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती, बट अभी MIUI 12.5 का अपडेट आएगा तो उसमें दमदार फीचर्स वगैरह आएंगे तो तब का हम तब देख लेंगे, ठीक है। और हमको बस इतने ही फीचर देखने, कोई फीचर ही देखने को नहीं मिलता भाई, सिर्फ जनवरी का सिक्योरिटी पैच दिया और वर्जन चेंज कर दिया गया। तो कैसे इंस्टॉल करना है मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में, अपने वीडियो का दिखा होगा कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो हमको सिंपली OTA फाइल को इंस्टॉल कर रहे हैं जिसकी लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। और ये जो अपडेट है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रहा है भाई, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा। यहाँ पर मैं आपको OTA की लिंक दे दूंगा, वैसे आप डाउनलोड कर लेना, अब तक तो मैंने कोई दिया नहीं है, मैं सिंपली आपको दे दूंगा वीडियो अपलोड होते ही। उसके बाद वहाँ से आप जाके सिंपली डाउनलोड करके चूज अपडेट पैकेज से कर लेना। तो फिर अब मैं आपको बता दूँ कब आएगा ग्लो इंडिया में, तो मुझे लगता है कि शायद से इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए या फिर मार्च में आ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल में भी रोल आउट कर दिया गया, चाइना में भी रोल आउट कर दिया गया, तो अभी सिर्फ इंडिया बचा है और कोई रीजन तो है नहीं, तो जल्दी से जल्द आ जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो में, वीडियो पसंद वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले। तो चलिए आज के उस मिलते अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।